अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ। खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम खूबसूरत और यंग दिखें। तो उसके लिए हम लोग ऊपर से यानी कि अच्छे से कपड़े पहन लिए या फिर फेस पे अच्छा सा मेकअप कर लिया, तो उससे हम लोग जवान नहीं लग सकते, ना ही खूबसूरत लग सकते। उसके लिए हमें अपनी बॉडी को भी अच्छा और फिट रखना होगा। तो आज मैं आप लोग के साथ ऐसे ही कुछ छोटी छोटी सी बातें और हल्की फुल्की सी जो टिप्स होते हैं ना, वो शेयर करूँगी। यहाँ ना सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो है अपनी डाइट की, यानी कि जो हाउसवाइफ हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, वेट उनका बढ़ गया है और कम करना चाहती हैं, बॉडी से अनफिट लगती हैं, कितने भी अच्छे कपड़े पहने बट फिर भी वो फिट नहीं आते हैं। सबसे पहले ना हम बात करेंगे डाइट की, और डाइट में आपको ऐसी बताऊंगी जो कि घर की ही चीज़ों से आप अपने वेट को अच्छे से कम कर सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग ड्रिंक की। मॉर्निंग ड्रिंक आप, मैंने तीन दिखाए हैं अपनी वीडियो में, तीन में से आप कोई भी एक मॉर्निंग ड्रिंक ले सकती हैं। जीरा वाटर है, धनिया का पानी है, या फिर नॉर्मली आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकती हैं। इसी के साथ ही फिर हम बात करेंगे अपने ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट हमें अपना प्रोटीन रिच लेना है, वेट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकफास्ट में अवॉइड करना है, और साथ में ऑयली फूड भी ना। ब्रेकफास्ट में आप बॉइल्ड एग ले सकती हैं, टू होल बॉइल्ड एग, यानी कि जो उनका योग पार्ट होता है आप उसको भी ले सकती हैं, लेकिन सिर्फ टू बॉइल्ड एग ही लेना है। साथ में आप 1 कप ग्रीन टी ले सकती हैं। अगर आपने बॉइल्ड एग नहीं लेने हैं तो आप एक अंडे की जो ऑमलेट होती है उसको बना सकती हैं, जिसमें बहुत सारी आपको वेजीज डालनी है, टमाटर, शिमला मिर्च है, प्याज है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें खूब सारी वेजीज डालिए, और एक अंडे की ऑमलेट, 2 ब्राउन ब्रेड या फिर वाइट भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएंगे। तो 2 ब्रेड की आपको ऑमलेट बनानी है, लेकिन हाँ एग आपको 1 ही लेना है। अगर बॉइल्ड ले रही हैं तो आप 2 eggs ले सकती हैं। अगर चाय के आप शौकीन हैं, आपसे चाय नहीं छोड़ी जाती है, तो वहाँ पर आप यानी कि 1 कप आपने चाय ली है तो 1 कप के आप 1/2 कप दूध रखिए और 1/2 कप पानी, और कोशिश करिए कि चीनी जितनी आपसे अवॉइड हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए। साथ ही इसी के आप ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला भी ले सकती हैं, 1 कटोरी ओट्स या फिर 1 कटोरी दलिया भी ले सकती हैं, या फिर जो मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ ग्रेनुला, आप उसको भी परचेज कर सकती हैं। हाँ, अगर आपके पास ये सारी इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो नॉर्मली ही आप एक अंडे की जो ऑमलेट होती है वो बनाइए, और 1/2 रोटी बस उसको ले सकती हैं, ब्रेकफास्ट आपका इतना ही रहेगा। इसके बाद अब बारी आती है हमारे लंच की। लंच में हमें क्या लेना है, तो लंच में आप लोग कोशिश करें कि जो आपके यहाँ बना है यानी कि सालन या सब्जी जो भी आपकी बनी है वो आप 1 कटोरी सब्जी ले लें और 1 रोटी। अगर आप चावल के शौकीन हैं और अगर आपके चावल बने हैं, रोटी नहीं बनी है, तो उस टाइम पे आप दिन में अगर चावल खा रहे हैं तो 18 से 20 जो खाने वाली चम्मच होती है यानी कि चाय की चम्मच, तो वो आप 18 से 20 चम्मच जो है वो चावल ले सकती हैं, और जो भी आपके सब्जी या फिर दाल बनी है तो वो ले सकती हैं। साथ ही आपको सैलेड लेनी है भर के अच्छे से, यानी कि 1 रोटी में अगर आपका पेट नहीं भर रहा है तो बाकी का जो आपको अपना पेट है वो सैलेड से भरना है। इसके बाद आप रोटी या फिर सब्जी, चावल, इससे ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वेट लॉस में ना हमें क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारा वेट लॉस होगा। सैलेड में ना फाइबर होती है जो कि वेट लॉस के लिए हमारे हेल्प करती है। अब आती है डिनर की बारी, और डिनर में भी हमें सेम इसी तरह से रखना है। अगर चपाती है तो वो आपको 1/2 लेनी है, और अगर चावल हैं डिनर में आपके तो वो 8 से 10 टेबल स्पून आपको चावल लेने हैं। कोई भी आप दाल या सब्जी डाल के उसको ले सकती हैं। इसी के साथ ही आपको खाने के यानी कि दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद और रात के खाने के 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मली कोई भी जो ज़ीरा वाटर है, धनिया का पानी है, या फिर जिंजर वाटर है, तो आप कुछ भी अपना लेमन वाटर, कोई भी एक वाटर यानी कि कहवा टाइप बना सकती हैं। इसी के साथ ही डेली ही आपने अपने डाइट में एक जो फ्रूट है उसको भी ऐड करना है। आप एक फ्रूट ले सकती हैं या फिर उस फ्रूट का जूस भी बना सकती हैं।
तो अगर है आपके पास अवेलेबल तो आप फ्रूट या फिर फ्रूट जूस ले सकती हैं, अगर नहीं है तो डेली ही आप कोशिश करें कि एक गिलास जो दूध है उसको लें। कि ना यहाँ पे हमने खाने की जो क्वांटिटी है उसको कम किया है, तो हमारी बॉडी को पूरे तरीके से न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसलिए आप फ्रूट ले लें। फ्रूट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो डेली ही आप एक गिलास दूध ले सकती हैं। आप खाली दूध ले सकती हैं या फिर आप उसमें हल्दी डालकर भी ले सकती हैं। हाँ, दूध आपको फीका ही पीना है, उसको मीठा करने की कोशिश ना करें। अच्छा जी, ये तो कर ली हमने अपनी डाइट की बात, यानी कि हमें अपना वेट लॉस करना है, तो ये हमने बात कर ली अपनी वेट लॉस की। और अब हम करते हैं अपने फेस की, यानी कि फेस पे हमारे जो रिंकल आ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आंखों के आसपास काले घेरे पड़ जाते हैं, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने फेस को अपने फेस की जो स्किन है उसको टाइट रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बादाम का जो तेल है यानी कि एलमंड ऑयल सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये एलमंड ऑयल जो है वो फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप अपने फेस की झुर्रियाँ अगर आपके फेस पे समय से पहले, यानी कि आपकी इतनी एज नहीं है बट फिर भी आपके फेस पे झुर्रियाँ आ गई हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे ना बादाम रोगन का जो ऑयल है यानी कि असली बादाम का तेल लीजिएगा, और इसे 5 ड्रॉप आपको अपने हाथ पे लेनी है, अच्छे से रब करके अपने फेस पे लगाइएगा, और उसके बाद ये जो गुआशा आपको दिख रहा है इससे आप अपने फेस की मसाज कीजिएगा। 5 मिनट आपको सिर्फ डेली ही आप मॉर्निंग में या नाइट में जब भी आपको ठीक लगे उस टाइम पे आप गुआशा मसाज कर सकते हैं फेस की, और आप लोग 1 वीक में ही अपने फेस पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। डिलीवरी के बाद हम लोगों की पेट की जो स्किन होती है ना वो ढीली हो जाती है, और थोड़ी सी यानी कि स्किन पे कुछ झुर्रियाँ आ जाती हैं, साथ ही हमारे पेट पर स्टैक्स मार्क्स भी पड़ जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए यानी कि अपनी पेट की स्किन को टाइट करने के लिए हमारे घर में नॉर्मली जो मेथी दाना पाया जाता है ना, तो आप उसका यूज़ कर सकती हैं। रात में आप थोड़े से यानी कि आप 1/4 चम्मच मेथी दाना को भिगो दें, और मॉर्निंग में उठ के नहाल मुँह आप सबसे पहले इस पानी को पी लें, तो ये जो पानी है वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, साथ ही आपकी जो स्किन ढीली है फेस की, पेट की, जांघों की, ब्रेस्ट की, सारी जगह की जो आपकी स्किन लूज हो चुकी है तो वो आपकी स्किन को टाइट भी करेगा। लूज स्किन से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी डाइट में मेथी दाने का पानी ज़रूर ऐड करें, साथ ही अपनी पेट और ब्रेस्ट की स्किन को टाइट करने के लिए यहाँ पे मैं आपको 2 ऑयल बताऊंगी। एक तो है बादाम रोगन यानी कि प्योर एलमंड्स ऑयल, और दूसरा है जैतून का ऑलिव ऑयल। तो आप इन दोनों ऑयल की ही आप अपने फेस पे आपको करनी है मसाज, तो सिर्फ बादाम की करें, और ब्रेस्ट पे और आप अपने बैली पर जैतून की और जो है बादाम के, इन दोनों की तेल की मसाज करें। डेली ही आप 10 मिनट अपने पेट पर और ब्रेस्ट पर मसाज करें सर्कुलर मोशन में, और अगर आप डाइट के साथ ये सारी चीज़ें करेंगी तो यकीन माने 1 मंथ में आपकी बॉडी में विजिबल रिजल्ट दिखेंगे, आपकी जो स्किन है वो टाइट होने लगेगी, साथ में अगर आपका वेट है तो वो भी लॉस होगा यानी कि घटता जाएगा। सेल्फ केयर में अक्सर करके हम लोग ना अपनी जो स्किन होती है यानी कि फेस पर मेकअप कर लिया काफ़ी सारा और साथ में अच्छे से कपड़े पहन लिए, उसी से ही हम लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारी सेल्फ केयर हो रही है। जब तक हम लोग अंदर से फिट नहीं होंगे, हमारी बॉडी फिट नहीं होगी, हम एक्टिव नहीं होंगे, तो हम लोग अपने ऊपर कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, बट फिर भी हम लोग अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस आज मैंने आप लोगों को कुछ ऐसी ही छोटी छोटी सी टिप्स और ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि घरेलू हम सभी के घरों में होती है, और अगर कोई एका चीज़ नहीं भी है तो आप लोग परचेज करें और फिर आप लोग ट्राई करें कि बॉडी की कहीं भी यानी कि किसी भी पार्ट की अगर स्किन लूज हो चुकी है तो वो आपको 1 मंथ में रिजल्ट दिखने लगेगा। और अगर आप लोग का वेट है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं और इस डाइट को फॉलो करके आपको 15 दिन में जो है वो अपने वेट में फर्क दिखने लगेगा, आपका वेट बहुत ही जल्दी से गिरने लगेगा। इसके बाद आते हैं जी सीड्स। अगर आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं, आपको चिड़चिड़ापन रहता है, आपको PCOD या PCOS का मसला है, तो उसके लिए आप सीड्स को ट्राई करें। तो उसके लिए आपको 4 सीड्स ही इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। तो एक है फ्लैक्स सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, साथ में सूरजमुखी के जो बीज होते हैं वो है यानी कि सनफ्लावर सीड्स है, और सेसमे सीड यानी कि जो तिल होते हैं सफ़ेद तिल वो। तो चारों ही चीज़ों को आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, ड्राई रोस्ट करना है।
और ड्राई रोस्ट करने के बाद आप इन्हें एक किसी भी ग्लास जार में भर के रख सकती हैं। उसके बाद डेली ही आप इनको कंज्यूम करें, यानी कि सुबह में जब आप ब्रेकफास्ट कर चुकी हैं तो ब्रेकफास्ट करने के आधा घंटे बाद एक चम्मच जो है वो आप नॉर्मली इनको ऐसे ही चबा कर खा सकती हैं। उसके बाद आप गुनगुना पानी पी लें या फिर नॉर्मल ही पानी पियेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सेम इसी तरह से आपको रात में करना है। रात में जब आपने डिनर अपना कर लिया है तो डिनर करने के बाद आधा घंटे बाद आप एक चम्मच इन बीज को लेना है, नॉर्मल ही आप इन्हें चबाकर खा सकती हैं और उसके बाद आप पानी पी लें। सीड से ना आपके बॉडी के जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं वो ठीक होना शुरू हो जाए। आपको हार्मोन्स का कोई भी मसला नहीं है या फिर PCOS या PCOD का कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप जो ये सीड्स हैं उनको ले सकती हैं। बट फिर आप कोशिश करें कि अगर 15 दिन आपने रेगुलर इन सीड्स को लिया है तो 15 दिन के बाद आप 15 दिन का गैप कर दें और उसके बाद फिर से आप 15 दिन रेगुलर फिर इन सीड्स को ले लें सुबह शाम, और फिर नेक्स्ट जो 15 दिन हैं उनमें आपको गैप करना है, यानी कि मंथ में आपको 15 दिन इनको लेना है और 15 दिन के बाद आपको 15 दिन गैप करने हैं। जी तो बस यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का जो है वो एंड करती हूँ। तो बस यही थी मेरी कुछ छोटी छोटी सी जो टिप्स थी, और जिसमें कि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आप लोग के साथ शेयर की है जो कि आप लोग परचेज ना कर सकें, जिसमें मैंने आपको यंग दिखने के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए डाइट भी बताई है, और डाइट में कोई भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं बताई क्योंकि हम लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को परचेज ना कर सकें। सारी चीज़ें ही मैंने बहुत ही अपने डेली रूटीन में रहकर ही आप लोग के साथ शेयर की हैं, यानी कि जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हों सिर्फ उन चीज़ों को ही मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो जी चले बस मैं आज के अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करिएगा जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।